नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया था पिछले साल आम चुनावों के लिए, तो उन्होंने कहा था कि महंगाई घटाएगी उनकी सरकार। जब उनकी सरकार आई तो महंगाई कम हुई, अच्छे दिनों की आहट भी सुनाई पड़ी। लेकिन बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने सब गुड़गोबर कर दिया है। मार्च में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि हरी सब्जियां आम आदमी की रसोई से दूर होने लगी। पिछले एक हफ्ते में सब्जी की कीमतों में करीब 20% का इजाफा हुआ है। कहीं रेतीला तूफान तो कहीं ओले की बौछार, कहीं बेमौसम की बारिश तो कहीं भारी बर्फबारी। मौसम का यह बिगड़ा मिजाज किसानों की फसलें तबाह करने के बाद अब आम आदमी का बजट बिगाड़ने वाला है। आम आदमी के बजट पर मौसम की मार, बेमौसम बारिश से चढ़ा महंगाई का ग्राफ, हरी सब्जियों के दाम में विस्फोट, फल के दाम पहुंचे आसमान पर। अब डर है कि कहीं रसोई से दूर ना हो जाए रोटियां। सब्जियां महंगी, फल महंगा, रोटी पर भी खतरा। आम आदमी के दर्द की ये तीन तस्वीरें हैं। हरी मिर्च की तरह तीखी हो गई है सब्जियों की कीमतें। टमाटर महंगाई से लाल है तो करेला आम आदमी को मुंह चिढ़ा रहा है। फलों का राजा आम तो अपने मौसम में ही आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। गेहूं की फसल बर्बाद होने के बाद अब खतरा रोटी पर भी मंडराने लगा है। पहले 100 रुपए का आता था, वो 200 का आता है। अच्छा, इतना फर्क पड़ गया है। बारिश हो गई, कुछ ये है कि सारा काम डिस्टर्ब हो गया, काम भी डिस्टर्ब हुआ, और जो मौसम की सब्जियां थी वो सब जो स्वाद खाने में नेचुरल आना चाहिए वो चीज नहीं आई है। बहुत बड़ा असर पड़ा है। मैं से इतना महंगा रहेगा तो हम लोग तो खैर चलिए, लेकिन गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सब्जी का रेट कम होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। पहले के मुताबिक अभी बहुत है रेट। कहते रोज का बाजार है, ये लोग बोलते हैं रोज का बाजार है। आपको हर दिन जेब ढीली हो रही है, आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। ज़्यादा पे करता मांगते, कभी कभी क्या है ना वो 60 रुपया बोलते, 80 रुपया बोलते कभी। कीमतों की मार देश में हर तरफ है, चाहे दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या चंडीगढ़, महंगाई हर तरफ एक जैसा। जरा दिल्ली के पहाड़गंज सब्जी बाजार में सब्जी की कीमतों के आंकड़ों पर गौर कीजिए, साफ नजर आएगा कि महज एक हफ्ते में कीमतों में कितना उछाल आया है। मटर 40 रुपए से 80 रुपए पहुंच गया, भिंडी 60 रुपए से 80 रुपए, करेला 50 रुपए से 60 रुपए, तोरी 50 रुपए से 60 रुपए, लौकी 25 रुपए से 30 रुपए, प्याज 20 रुपए से 25 रुपए, टमाटर 20 रुपए से 25 रुपए, आलू का भाव हालांकि 10 रुपए किलो ही बना हुआ है। ये हरी भरी सब्जियां थालियों का स्वाद बढ़ाती हैं, लेकिन जब दाम इनके बढ़ जाते हैं तो यही स्वाद फीका पड़ने लगता है। इस वक्त हम मौजूद हैं रिटेल मार्केट में, जहां पर मौसम की जो मार पड़ी है उसकी वजह से सब्जियों पर कितना असर पड़ा है वो हम आपको दिखाएंगे। यहां पर तमाम सब्जियां आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही हरी भरी और ताज़ी ये सब्जियां हैं, चाहे खीरा हो, भिंडी हो, गोभी हो, टमाटर, आलू, प्याज, करेला। राजधानी दिल्ली का हाल तो आपने देख लिया, अब आपको लिए चलते हैं मुंबई के बायकुला सब्जी बाजार में, जहां हफ्ते भर के भीतर सब्जियों की कीमतों में 20% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। यहां फूल गोभी पिछले हफ्ते 24 रुपए किलो बिक रहा था, अब 30 रुपए बिक रहा है। पत्ता गोभी 20 रुपए के बजाय 25 रुपए किलो बिकने लगा है। भिंडी का दाम 80 रुपए पर बना हुआ है, मटर भी 80 रुपए पर है, बीन्स 25 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया है, टमाटर 16 रुपए से 24 रुपए किलो बिकने लगा है, शिमला मिर्च 50 रुपए किलो से बढ़कर 60 रुपए किलो हो गया है, बैंगन 35 रुपए किलो से 40 रुपए किलो हो गया है। महाराष्ट्र में कई जगह बेमौसम बरसात हो रही है, तो कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश हुई ही नहीं। किसान इस कदर परेशान है कि कर्ज में डूबे किसान अब आत्महत्या कर रहे हैं। जो फसल वो पैदा कर रहे हैं वो खराब आ रही है, मार्केट तक पहुँच नहीं पा रही, या फिर जब पहुँच रही है तो उसके दाम बढ़ रहे हैं। आंकड़ों से साफ है कि आम आदमी की जेब काटने फिर लौट आई है महंगाई। बाजार के लोग कह रहे हैं
कि सब मौसम की माया है। किसान है, उनका भी कहना है कि जो बेमौसम की बारिश हुई है उससे फसल भले ही ज्यादा हो, पर कुछ ऐसे हैं वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं जिनके भाव कम हो रहे हैं, भले ही इससे जो रिटेल मार्केट है वहां पर जो रिटेलर्स है वो बेचने को तैयार नहीं है कम भाव में, लेकिन किसानों को नुकसान हो रहा है और व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। बेमौसम की बारिश से तापमान में गिरावट जरूर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जेब भी गर्म हो रही है। फिलहाल हम चंडीगढ़ की एक किसान मंडी में मौजूद हैं, जहां पर किसान खुद से सब्जियां लाते हैं और यहां से ये सब्जियां जो छोटे सब्जी बेचने वाले रेहड़ी वाले हैं वो भी खरीद कर ले जाते हैं, आम आदमी भी यहां से सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं। लेकिन ये सब्जियां जो आपको कैमरे के स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, देखने में जितनी अच्छी लग रही हैं उतनी ही अच्छी ये तब आपको नहीं लगेंगी जब आप इनके दाम सुन लेंगे। आम आदमी को महंगाई का दानव तड़पा रहा है। अच्छे दौर की जो आहट सुनाई पड़ी थी वो फिर शांत पड़ने लगी है। अभी तो अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है, मौसम का मिजाज फिलहाल सुधरता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बुरे दौर का दुस्वप्न लौटने वाला है? आज तक ब्यूरो। सब्जियां महंगी हुई तो फलों पर भी महंगाई की मार पड़ी। आम का सीजन आने वाला है, लेकिन आशंका है कि फलों के राजा आम का स्वाद इस बार सिर्फ राजा चख पाएंगे, आम आदमी नहीं। आम पर मौसम की बेतरह मार पड़ी है और इसकी पैदावार गिरने के आसार हैं। उधर प्याज को लेकर भी चिंता शुरू हो गई। प्याज खून के आंसू रुला रहा है, बैगन बजट का भरता बना रहा है, टमाटर टेंशन दे रहा है और फलों की तो पूछिए ही मत, देख के ही संतोष करने की नौबत आ गई है। इंसान खाएगा क्या? सब्जियों और फलों के दामों में आग लगी है, ग्राहकों के पसीने छूट रहे हैं, थोक विक्रेताओं के माथे पर शिकन है, काला बाजारी करने वालों की चांदी है, तो सरकार क्या करें क्या ना करें की मुद्रा में। राजधानी दिल्ली की तो छोड़ ही दीजिए, देश के हर हिस्से में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। लखनऊ से लेकर पटना और पटना से लेकर भोपाल तक सब्जी मंडियों की रौनक गायब है, ग्राहकों की जेब ढीली हो रही है और थैली में सब्जियां कम आ रही हैं। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल। चाहे वो रबी की फसल हो या जायद की फसल हो, इस बेमौसम बारिश ने 50% से ज्यादा फसलों का नुकसान किया है। फसलों ही नहीं सब्जियों और फलों का भी नुकसान हुआ है। जो सब्जियां पिछले 15 दिनों में जिस दाम पर बिक रही थी आज उससे वो 1.5 से 2 गुने दाम पर बिक रही हैं। हम मौजूद हैं गोमती नगर के एक सब्जी मंडी में लखनऊ के, और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का वक्त है इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हम सब्जियों के दाम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आलू, जो सब जगह खाया जाता है, सब सब्जियों में मिलाकर खाया जाता है। इस बारिश और ओलावृष्टि से आलू की फसल को बहुत नुकसान हुआ है, कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं है जिसकी वजह से आलू के दामों में कमी है। यहाँ पर आलू इस मंडी में 8 रुपया और लाल आलू 10 रुपया किलो बिक रहा है, लेकिन इसके आलू के अलावा बाकी जितनी भी सब्जियां हैं उन सबके रेट भाग गए हैं। बेमौसम बारिश से सब्जी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। मैं समय भोपाल के बिट्टन मार्केट इलाके में हूँ और यहाँ पे जो सब्जी मंडी की जो स्टॉल्स लगे हैं उसको आप देख सकते हैं। जो टमाटर है वो करीब 30 रुपये किलो पहुँच गया है, 20 रुपये था इसके पहले। और जो बात करें कि जितनी भी सब्जियां हैं, ये कहा है गोभी है, गिलकी है, करेले हैं, भिंडी, सभी के रेट जो हैं करीब 50 से 70% तक बढ़ गए हैं। लखनऊ तो लखनऊ, पाटलिपुत्र यानी पटनावासी भी सब्जियों के बढ़ते दाम से हैरान परेशान हैं। जो सब्जी कल तक 20 रुपए किलो मिलती थी वही आज 20 रुपए पाव मिल रही है। बारिश का असर हरी सब्जियों पर भी पड़ा है। पटना में देखने के से पता चलता है कि यहाँ महंगाई कितनी बढ़ गई है, चाहे वो करेला हो, परवल हो, बैगन हो, भिंडी हो, तोरी हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसका काफ़ी अच्छा खासा असर बारिश का पड़ा है और जो फसल थी वो बर्बाद हो गई है बिहार में, खासतौर पर पटना के आसपास के इलाकों में। जाहिर है सब्जियों के बढ़ते भाव के चलते आम आदमी के सरोकारों का मुद्दा उठाकर सरकार बनाने वाली राज्य और केंद्र सरकार के भी हाथ पांव फूल गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता प्याज को लेकर है, क्योंकि प्याज की वजह से कई बार सरकारें गिर भी चुकी हैं। इतिहास से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार ने प्याज की कीमतों पर सबसे पहले लगाम लगाने की कोशिश की है।
मोदी सरकार पर हमला बोलते रहने वाली दिल्ली सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर प्याज आयात करने की मांग की है ताकि उसकी कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। बिगड़ न जाए आम की मिठास, पेट की गर्मी न बढ़ा दे संतरा। जी हाँ, सब्जियों के साथ साथ फलों की मिठास भी गायब होने वाली है। यूपी के किसान बेमौसम बरसात आंधी तूफान से खौफ ज्यादा है। जमीन पर पड़े आम की बौर इसकी तस्दीक करते हैं। ये आपका पुराना कल्ला है, इसमें ये बौर निकला था लेकिन बौर आंधी में डैमेज हो गया, अब ये कल्ला निर्जीव हो गया, यानी कि अब एक साल तक के हमें इंतजार करना है। अगले साल इसमें कोपल निकलेगा तो उसके अगले साल इसमें बौर की उम्मीद होगी। साल भर हमको बाग में लगाना ही पड़ता है और जब आया जो है लाभ लेने का टाइम, उस समय हमारे पास जो है प्रकृति आपदा आ गई और जिससे हमारा पूरी जो है अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। इसका असर तो महाराष्ट्र में दिखने भी लगा है। मुंबई में पहले जहां 70,000 से ज्यादा पेटी आम मंडी में बिकने के लिए आती थी, वहीं इन दिनों 30,000 पेटी ही आ रही है। विदेश में भी जिस तरीके से हर साल से जो निर्यात होती है, उस तरीके की निर्यात इस साल नहीं होगी। इस साल निर्यात के ऊपर भी उसका लगभग 70-80% का असर होने वाला है। आज भी निर्यात जिस प्रमाण से होनी चाहिए उस प्रमाण से निर्यात नहीं हो रही है। इसका कारण एक ही है कि क्वालिटी आम नहीं है और आम की आवक भी बहुत कम है। आम की फसल बर्बाद है तो संतरे की फसल पर भी मौसम की मार पड़ी है। राजस्थान के झालावाड़ में किसानों का दर्द यही है कि बेमौसम बारिश में संतरा इस कदर सड़ा है कि अब फेंकने के सिवाय कोई चारा नहीं। कुदरत पर किसी का काबू नहीं, कुदरत के सामने इंसान बेबस हो ही जाता है तो बेचारा किसान क्या करे। जिस फसल को पैदा करने में लाखों खर्च किए, उसी फसल की बर्बादी का तमाशा देखने के अलावा कोई चारा नहीं। सरकार राहत के चंद टुकड़े तो फेंक सकती है लेकिन किसान की कश्मकश कम नहीं कर सकती। दिल्ली से पंकज जैन और मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मौसम को लेकर किस तरह की आशंकाएं अभी हैं। थाली में सब्जियां तभी तक ठीक लगती हैं जब खाने को रोटी हो, अगर रोटी ही थाली से गायब हो जाए तो क्या होगा। बेमौसम बारिश ने यह खतरा भी पैदा कर दिया है, बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। हालांकि देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार पड़ा हुआ है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो जरूरतमंद आम लोगों तक सस्ते में पहुंच पाएगा। मार्च के आखिरी हफ्ते से अब तक आसमान से ऐसी आफत बरसी कि मानो महंगाई को आम आदमी के घर में घुसपैठ का लाइसेंस मिल गया। सब्जियों और फल के दाम तो आसमान पर पहुंचे ही, अब डर है थाली से रोटियां ना खिसक जाएं। बेमौसम बारिश से रबी की फसलों के नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से करीब 113 लाख हेक्टेयर में लगी गेहूं की खेती बर्बाद हुई है। ऐसे में आशंका है कि गेहूं का उत्पादन 4-5% तक गिर सकता है। पिछले साल देश में 958.5 लाख टन गेहूं पैदा हुआ था, ऐसे में ताजा अनुमान से उत्पादन में करीब 49 लाख टन गिरावट आ सकती है। सरकार बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, उनके बिना कहे हमने पैसा भेजा हुआ है वहाँ, और राज्यों को हमने निर्देश जारी किया 16 तारीख को ही कि आप अविलंब उनकी सहायता जारी करिए। सर, आपके सारे मंत्री जो जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उसका क्या मकसद है? क्या हमारा मकसद ये है कि राज्यों के पास पैसा है, वो किसानों के बीच राहत शुरू कर दे और हमको जल्दी मेमोरेंडम दे ताकि हमारा टीम जाए और सही आकलन कर। दिल्ली से मनोज शर्मा और अनु जैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। मार्च में बारिश, अप्रैल में बारिश, आसमान में उमड़ घुमड़ रहे बादलों ने सारे अनुमानों को धाराशायी कर दिया है। ऐसे में चिंता इस बात पर जताई जा रही है कि जब अभी के हालात हैं तो आगे क्या होगा। ये राजस्थान के जैसलमेर में उठे रेतीले तूफान की खौफनाक तस्वीर है। सरहदी रेगिस्तान शहर में रेत का ऐसा बवंडर उठा कि देखते ही देखते पूरा शहर काले तूफान की चादर में लिपट गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, मार्च का महीना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमाम राज्यों में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि किसानों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि फसलों पर कहर बनकर टूटी, खेत के खेत बर्बाद हो गए, किसान खुदकुशी तक के लिए मजबूर हो गए। हालांकि सरकारें ऐसा मानती नहीं।
लॉस का आकलन हुआ था, पहले तो इसमें 33 जनपद थे, 33 डिस्ट्रिक्ट्स का इनिशियल जो आपकी घटना हुई थी उसमें लॉस आया था, और पहले की फिगर आपको याद होगी, मैंने आपको करीब 744 करोड़ बताया था, लेकिन वो फिर बढ़ के करीब 850 करोड़ उस तक पहुंच गई थी। अभी जो पता है कि जनपद करीब अब 40 हो गए हैं जो टोटल इफेक्टेड है, क्योंकि इधर ओले हैं, इससे कुछ जनपद और इफेक्ट हुए हैं, विशेष तौर पर मथुरा। मार्च तो जैसे तैसे बीत गया, अप्रैल का पहला हफ्ता बीतने को है, लेकिन मौसम अब भी किसानों को अप्रैल फूल बनाने पर तुला है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो चुका है, देश के कई हिस्सों में फिर बारिश की खबर है। सवाल उठता है कि अब क्या होगा, खेतों में जो फसलें खड़ी हैं उनका क्या होगा, किसानों को राहत मिलेगी या नहीं, फसलों की बर्बादी महंगाई की मार के रूप में आम आदमी पर तो नहीं पड़ेगी। सरकार को भी पता है कि हालात ठीक नहीं है, इसी वजह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मंत्रियों की पूरी टीम यूपी के मेरठ, अलीगढ़ और आगरा का दौरा कर किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने निकल पड़ी। प्रधानमंत्री ने हमको भेजा है कि एक बार क्या स्थिति वो देख लो, और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव को ये कहना चाहता हूँ कि इस संकट में भारत सरकार आप सब के साथ है, किसानों के साथ है, इसमें हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हालात का मुकाबला करने के लिए सरकार मुस्तैद तो नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी को राहत दिलाने में सरकारी तंत्र कितना मुस्तैदी दिखा पाएगा कहना जरा मुश्किल है। दिल्ली से मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।